दोस्तों मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2024, इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि जो बच्चे अब अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर रहे हैं उनके स्टेटस में लिख रहा है पेमेंट नॉट डन, और उसके नीचे लिखा हुआ है यूटीआर नंबर, उसके नीचे डेट लिखा हुआ है, और उसके नीचे पेमेंट फेल होने का, नॉट डन होने का रीज़न दिया हुआ है D025 डेबिट फेल हुआ, DSC सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड। अब ये क्या है भाई, इसका क्या मतलब है, अब पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसमें हमें क्या करना होगा। इसके अलावा दूसरी बात हम करेंगे उन बच्चों की जिनका जो इंटर पास वाले हैं, जिनका यहां पर पेमेंट डन तो लिख रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि इंटर वालों का 14 अगस्त को बहुत सारे बच्चों को 25,000 रुपए अकाउंट में भेजे गए थे, मिला भी है बच्चों को, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पेमेंट डन तो लिख रहा है लेकिन यहां पर अकाउंट किसी और का है, पैसा उनका अकाउंट में नहीं गया। तीसरी बात हम करेंगे कि ये नया पेमेंट लिस्ट कैसे चेक करना है, और इसमें अब जो लिस्ट नंबर 2 है 3 है 4 है 5 है, ये सब लिस्ट कब आएंगे, क्योंकि जब लिस्ट नंबर अलॉट नहीं होगा तब तक पैसा भी नहीं आएगा। तो देखिए, इन सारी जानकारियों के लिए सबसे पहले हम सिंपली गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी, और उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहां पर एक मिलेगा हमको इंटर पास वाला, तो इंटर वाले इस पोस्ट को खोल लेंगे और मैट्रिक पास वाले इस पोस्ट को खोल लेंगे। और पहले आपको समझ लेना है यहां पर न्यू पेमेंट लिस्ट चेक करने का तरीका। देखिए, न्यू पेमेंट लिस्ट चेक करने का तरीका यहां पर है पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक, इसको सिंपली चेक हेयर पर क्लिक कीजिए। ये अभी मैं इंटर वाला खोल रहा हूं, बहुत दोनों में बिल्कुल सेम तरीका है। यहां पर आप अपना क्या कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद अपना आप जो भी स्कूल है उसको चुन लीजिए, और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर दीजिए। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहां पर बहुत सारे बच्चों का लिस्ट खुलेगा। यहां पर देखिए लिस्ट नंबर 1-1 जिसके भी सामने लिखा हुआ है, इन सब का पैसा आ चुका है, और जिनका जिनके सामने, मतलब लिस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, उनके सामने रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है, मतलब ऐसे बच्चों का लिस्ट नंबर पहले अलॉट होगा फिर उनका पैसा आएगा। सेम यही प्रोसेस मैट्रिक वालों का भी है। मैट्रिक वाले भी क्या करेंगे कि न्यू पेमेंट लिस्ट में जाएंगे, और न्यू पेमेंट लिस्ट में जा करके और यहां पर वैसे ही सेम मेथड से जैसे यहां डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद अपना स्कूल या कॉलेज जो भी उनका है वो उसका नाम चुनेंगे, और उसके बाद अपना जो है यहां पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब यहां पर लिस्ट उनका खुलेगा, इसमें भी सेम वही मेथड है। देखिए, जिनको जिनको 1 जो है लिखा हुआ लिस्ट नंबर, उनका पेमेंट भेजा गया, पेमेंट भेजा गया लेकिन समस्या हो गई पेमेंट नॉट डन, तो उसका मैं चर्चा आगे करूंगा कि ये पेमेंट नॉट डन का मतलब क्या है। तो और जिनका जिनके सामने कुछ भी नहीं है, खाली है, 1 लिखा हुआ नहीं है, उनको लिस्ट नंबर 2 या 1 या 3 जो भी है वो अगला लिस्ट अलॉट होगा, और जब लिस्ट अलॉट होगा तो उनका रेडी फॉर पेमेंट से क्या हो जाएगा, सेंड फॉर पेमेंट, फिर उनका भी पैसा आएगा, ठीक है। तो मैट्रिक वालों का भी पैसा आना शुरू हो चुका है और पैसा भेजा भी गया है, लेकिन ये पेमेंट सक्सेस नहीं होने के पीछे कारण क्या हुआ कि DSC सिग्नेचर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल हो गया। अब ये DSC क्या है भाई, तो DSC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जैसे हम लोग जाते हैं जब बैंक अकाउंट में पैसे निकालने के लिए, तो आप लोग जब बैंक से पैसे निकालने के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो उस पर अपना पेन से साइन करते हैं। जो पेन से साइन किया आपने वो तो फिजिकल साइन हो गया, फिजिकल साइन मतलब जिसको हमने वास्तव में किया, लेकिन अब चूंकि जमाना डिजिटल आ गया है, अब बहुत सारे काम डिजिटल होते हैं, ऑनलाइन माध्यम से होते हैं, तो इसमें चलता है डिजिटल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर केवल वही कर सकता है जिसके पास हो DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट की भी एक वैलिडिटी होती है, यानी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल एक वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये 10,000 रुपये अकाउंट में भेजे तो गए, ठीक है। आप सबको पता है कि जो NPCI जो एक सरकारी उपक्रम है, सरकारी माध्यम है जिसके जरिए पेमेंट होते हैं, तो NPCI को बिहार के शिक्षा विभाग के अकाउंट से पैसे काट करके बच्चों के अकाउंट में डालने का इंस्ट्रक्शन तो मिल गया, लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्शन से काम चलता नहीं है, इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए था उस सर्टिफिकेट पर, उस डॉक्यूमेंट पर, जिस डॉक्यूमेंट में बच्चों को पेमेंट करने के लिए आदेश दिया गया NPCI को, उस डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर करके भेजना था। डिजिटल सिग्नेचर करके भेजा भी गया पर उस सिग्नेचर की वैलिडिटी बिल्कुल एक्सपायर थी, जिसकी वजह से सिग्नेचर वेरिफिकेशन सफल नहीं हो पाया और शिक्षा विभाग के अकाउंट से पैसे नहीं कट पाए और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए। तो DSC सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड का यही कारण है। इसको और डीपली समझिए, आप लोग जाति आवासीय आय बनवाते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है अब जो PDF आप लोग डाउनलोड करते हैं उसमें डिजिटली साइंड बाय लिखा रहता है और किसने साइन किया है, जो आपके सर्किल ऑफिसर होंगे उनका नाम लिखा हुआ रहता है। अब ये डिजिटल साइन है, इस तरह का साइन चलता है अब कब, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह में, ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू करने में। अब इस पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में आगे जाएंगे और यहाँ पर हमको उस सिग्नेचर का जो डिजिटली साइन किया गया सब कुछ डिटेल दिया जाएगा कि सिग्नेचर किसने किया है, कब किया है, कहाँ किया है। और यहाँ पर देखिए है सो साइनर सर्टिफिकेट। अब जो ये पेज खुलाना यही है DSC यानी
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब देखिए इसकी वैलिडिटी कब है, इसकी वैलिडिटी है 19/12/2025 तक, और कब से कब तक, तो 19/12/2023 से लेकर के 19/12/2025 तक 2 साल की वैलिडिटी है, यानी 2 साल तक ये जो व्यक्ति हैं ये चाहें तो डिजिटली साइन कर सकते हैं जातीय आवासीय आयकर फॉर्म पर। तो हुआ क्या कि शिक्षा विभाग के अकाउंट से पैसे काट करके और बच्चों के अकाउंट में भेजने का जो इंस्ट्रक्शन था उस पर डिजिटली साइन तो किया गया, लेकिन उस डिजिटल साइन करने वाले व्यक्ति का जो DSC था, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट था, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पेमेंट नॉट डन हो गया, शिक्षा विभाग के अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं, और यहाँ पर लिख दिया D025 डेबिट फेलुअर, यानी डेबिट फेलुअर मतलब पैसे नहीं कट सके, डेबिट मतलब कटना होता है, क्रेडिट कार्ड मतलब जमा होना होता है, तो पैसे नहीं कट सके, और पैसे नहीं कटने का कारण तो DSC सिग्नेचर यानी डिजिटल सर्टिफिकेट जो है सिग्नेचर का वो वेरिफिकेशन फेल हो गया। ये तो आप समझ गए होंगे अब मेरे ख्याल से। तो इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वेट करना है, फिर से पेमेंट का प्रयास होगा, फिर से पेमेंट का इंस्ट्रक्शन जाएगा और पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी इससे आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, ये विभागीय चीज़ है, डिपार्टमेंटल चीज़ है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक नया समस्या जो बच्चों के सामने था कि भाई जिनका पेमेंट डन लिख रहा है लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया, तो आपको चेक करना है कि भाई आपका आधार से आपका अपना ही बैंक अकाउंट सीडेड है कि नहीं, अगर सीडेड भी है, अकाउंट चालू भी है, एक्टिवेट स्थिति में भी है, तो फिर आप चुपचाप वेट कीजिए, पैसा आ जाएगा। और अगर आपके अकाउंट में सीडिंग की व्यवस्था है ही नहीं, सीडिंग नहीं हुआ है, या फिर सीडिंग किसी और का अकाउंट हो गया, तब तो फिर पैसा आपको दोबारा मिलने वाला है नहीं, भूल जाइए उसको। तीसरी बात की जो ये लिस्ट नंबर 2 है, लिस्ट अगला लिस्ट कब आएगा, तो देखिए जैसे ही ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी पेमेंट जो अभी मैट्रिक वाला किया गया उसमें जो अड़चन आई, दिक्कत आई, जैसे ये सक्सेसफुल होगा अगले लिस्ट भी जारी किए जाएंगे, और लिस्ट जारी होंगे तो ऑटोमेटिक आपका रेडी फॉर पेमेंट से क्या होगा, सेंड फॉर पेमेंट होगा। तो पहले रेडी फॉर पेमेंट रहता है, उसके बाद आपको लिस्ट अलॉट होंगे 1, 2, 3, 4 जो भी, और जैसे ही लिस्ट अलॉट होगा आपका हो जाएगा सेंड फॉर पेमेंट, और सेंड फॉर पेमेंट होने के बाद ही आएगा अकाउंट में पैसा। इस पर सारे अपडेट अभी आते रहेंगे, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ हम नई वीडियो में।